अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफिया से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाट हूँ, रेडी शेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं जी यूनिवर्सिटी। कल भी मैं गया था, परसों भी मैं गया था, लेकिन व्लॉग मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि परसों ये था कि वेलकमिंग डे था, तो उसमें ये है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन वो मेरे रेंज में निकल गया व्लॉग रिकॉर्ड करने का, वरना आपको भाई साहब गोरियाँ शोरियाँ गालियाँ शेलियाँ सर के दिखानी थी मैंने, लेकिन वो क्या से कहते हैं मेरे रेंज से निकल गया व्लॉग बनाने का। मैंने कहा यार क्या व्लॉग बनाऊंगा, खपूंगा ही। उसका फिर मैंने क्या किया, कल फिर मैं गया नहीं था, जाना नहीं था, मैंने जस्ट लाइब्रेरी गया था, मैंने वो रजिस्ट्रेशन करनी थी अपनी, लेकिन उनकी वेबसाइट क्रैश हुई थी, वेबसाइट ही नहीं चल रही थी। तो वो फिर जो लड़का था ना परसों जो मेरे साथ थे, वो आए कल, उनको भाई साहब वो ट्रिप पे लेके गए, टूर लेके गए डंडाल का, उन्होंने टूर शुक्र उनको दी, उनको सी व्यू दिखाया उन्होंने, पोर्ट्स वगैरह, जिम वगैरह, उसके अलावा यहाँ पे कोई कैसल वगैरह थे वहाँ पे, खैर ले लुके गए। अब मुझे कह रहा था तुम क्यों नहीं आए, मैं कहा मैनू भरावा की पता है कि भाई तुम चले, नहीं तो मैं भी आया ना, कोई ऐसी बात नहीं। अभी सुबह सुबह का टाइम है भाई साहब, सारा कुछ ही बंद है, उसमें चलो था ना थोड़ा बहुत खुला भी हुआ था, लेकिन आज तो भाई साहब सारा कुछ ही बंद है। ये है जी डंडल्क, ये है जी चुन्ने मुन्ने, चुन्ने मुन्ने से बच्चे, इनके तो बच्चों को भी नहीं छेड़ना चाहिए, बड़े हरामी होते हैं भैंस की। तुम कहते हैं कि हमारे बच्चों को छेड़ा क्यों, मतलब छेड़ा मतलब इन सेंस के हाथ क्यों लगाया, स्माइल क्यों पास की, ये वो सिनेरियो है इनके बच्चे भैंस की। तुम हमारे तो है ना, चलो किसी का कोई बच्चा प्यारा सा नजर आया, चलो उसको हंसा लिया, स्माइल पास कर दी, प्यार किया थोड़ा सा, यहाँ पे पैसा ना, यहाँ पे जितने डैश के बच्चे हैं तो कहते हमारे बच्चों को हाथ क्यों लगाया। फिलहाल तो टाउन में ही फिर रहा हूँ थोड़ी देर तक, क्योंकि 3 किलोमीटर ही है मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से, ये एक तो वॉक हो जाती है, ऊपर से इंजॉय भी हो जाता है, क्योंकि टाउन में इंजॉय तो बाकी तो फिर आगे घर शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर फिर गाड़ियाँ शाड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले दिनों इंजॉय की हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में, लेकिन आपको मैं दिखा नहीं सका, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट नो वरीज, आपका भाई अब आपको और भी दिखाएगा, टेंशन नहीं लेनी मेरे होते। अब सिग्नल बंद हो गया, अब दोबारा जाके मुझे दबाना पड़ना है, एज यूजल आपका भाई इसको दबाएगा। अब वहाँ से भाई साहब ये वाली जो है ना लाइट, ये होगी ग्रीन, तो फिर आपका भाई जाएगा, जस्ट फॉर अ मोमेंट अभी होगी ग्रीन। हाँ हो गई, क्या बात है, क्या बात है, कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा। ये शशकी है भाई साहब, यहाँ पे भैंस की तो वहाँ पे पाकिस्तान में कोई रोड पे आए तो सही, हम खुद गलियाँ निकालते, मैं खुद गलियाँ निकाल देता था उसे, कि जो बंदे इस तरह रोड पे आता था, लेकिन यहाँ पे भाई साहब पैदल बंदों वाले जो होते हैं ना पेडिस्टल्स जिनको बोलते हैं, उनकी भाई साहब वैल्यू है, मतलब गाड़ी चल रही है जितनी बड़ी स्पीड में, मैंने रोड पे पाँव रख दिया ना उसने साथ ही स्टॉप हो जाना, दहशत है राणा साहब की, टेंशन ही लेनी राणा साहब की, दहशत है यहाँ पे। ये है जी शॉप्स वगैरह, बेकरीज हैं यहाँ पे, कैफे, क्लब्स, उसके बाद बार, ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। ये है जी फ्लावर्स की शॉप, इनकी गोरी भी बड़ी मज़े की है। बड़ी प्यारी है गोरी, डेली जब भी जाओ ना तो लगी हुई फ्लावर्स वगैरह सेट शेट कर रही होती, कोई ऐसी बात नहीं। आए यहाँ पे भाई साहब क्या करने, गोरियाँ तो देखने आए हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, साथ साथ जॉब भी करेंगे, साथ साथ गोरियाँ भी, कोई ऐसी बात नहीं। अबे किधर से निकल गया तू, सुबह सुबह का टाइम है, सारे ही उतावले हुए पड़े हैं। ये है जी ड्रम्स, अब इनके अंदर अब आई डोंट नो क्या होता है, क्योंकि ये वाइपर रूम है, ये भी एक बार है, तो यहाँ पे आपको यू नो हर चीज़ मिल जाएगी, अगर आप जिस चीज़ के आप शौकीन होंगे ना, आपको वो चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हलाल रेस्टोरेंट है मोजिनो, और एक वो सामने डंडल्क किचन के नाम से, ये दोनों हलाल हैं, ठीक है, ये इंडियन है मेरे ख्याल के, पता नहीं देश इंडियन है या पता नहीं पाकिस्तानी है। अब यहाँ पे जी इन्होंने लगाया हुआ है जी एक ट्रक तरह का है, ये कि यहाँ पे आपको फ्रेश
यहाँ पे आपको फ्रेश वो फिश मिल जाएगी इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे इन्होंने लगाई होती है इसी तरह, देखे ना ये लेके आया होगा, अब उसने यहाँ पे लगाई है तो वो सेल आउट कर रहा है अपनी फिश। बारिश का सिनेरियो ये है कि भाई साहब हर टाइम बारिश ही होती रहती है, मतलब कि कह लो कि कोई ऐसा टाइम नहीं होगा कि बारिश ना हुई हो कल परसों। ये है कि होने पे आती है तो एकदम से तेज़ हो जाती है, नहीं होगी तो भाई साहब नहीं होगा। आयरलैंड के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे ना बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं बारिशें। ये है जी बसेस, यहाँ पे इस तरह की बस थी एक्सप्रेस वे की, इसी तरह की बस थी एक्सप्रेस वे की जिसमें मैं आया था एयरपोर्ट से डंडल्क। तो भाई साहब यहाँ पे एक तो मेडिसिन भी बड़ी एक्सपेंसिव है, कल मैंने ली है 10 यूरो समथिंग की मुझे मिली है उसकी ही मेडिसिन फ्लू की, 10.5 यूरो की थी वो क्या ये भी ठीक है। वो चेक करें बंदे के पास डॉग्स हैं, कितने प्यारे हैं वैसे, चेक करो मैं आपको रुक के दिखाता हूँ, चेक करें इतने लंबे लंबे उनके बाल हैं, और क्या हरामी किस्म के कुत्ते हैं ऐसे, तो अखीर है। खैर जैसे जैसे टाउन से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे ही ट्रैफिक भी कम हो रही है, और ये है कि आवाम पब्लिक भी कम हो रही है। यू नो विच पब्लिक आई टॉक अबाउट, बस टेंशन ही लेनी, समझ आया करो बस आपको, जब मैं इस तरह का कुछ सिग्नल दिया करो ना बस समझ आया करो। थोड़ा सा क्वाइट सा है ये टाउन, इतना बिजीएस्ट भी नहीं है, नॉर्मल ही है। तो वो फिर कल मैं फिरता रहा हूँ भाई इमरान के साथ, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं मुझे। गोरियाँ देखनी है, दिल कर रहा है गोरियाँ देखने को अगर तो देखनी है भाई साहब आपको दिखाते हैं गोरियाँ, आपको दिखाते हैं भाई साहब, टेंशन नहीं लेनी, आए किस लिए आपको गोरियाँ तो दिखानी है मैंने, जस्ट अ मोमेंट बस वेट कीजिएगा आपको हम गोरियाँ दिखाते हैं। वो है जी सामने ब्लू स्काई, और ये है जी यहाँ पे क्या उसे कहते हैं बस स्टैंड, यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारी ना गोरियाँ खड़ी होती हैं सुबह सुबह के टाइम, यहाँ पे बसेस का वेट कर रही थी क्योंकि बसेस आती हैं वहाँ से सारी, तो ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी इस टाइम खड़ी होती है क्योंकि स्कूल का टाइम हुआ है तो सब ने भी जाना होता है, कोई जॉब पे जाना है, किसी ने कहाँ पर जाना होता है, तो उस वजह से फिर यहाँ पर सारी खड़ी होती हैं। बाकी ये है कि मैंने आना नहीं था इस वाली साइड पर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ मैं, आपकी वजह से, वरना मैंने इधर से जाना था बीच में से होके, वो इसलिए मैंने कहा आप कहीं ना भाई साहब आयरलैंड मुंडा गया खानो गोरियाँ नहीं बखांदा क्योंकि मुझे एक दो बंदों से कंप्लेन आई है भाई साहब तो आयरलैंड गया गोरियाँ भी दिखा रहा हमें, मैं कहा भाई सब्र करो हौली 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 टेंशन नहीं लेनी, मम्मा जी बात फेमस यूट्यूबर होने का क्या फ़ायदा आप गोरियाँ ना दिखाऊँ मैं, बाकी ये है कि आपकी गोरियों के चक्कर में मुझे ये वाली चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। खैर कोई ऐसी बात नहीं, आपके लिए आपका भाई इतना सेक्रीफाइस तो कर सकते, बस आपने सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल को, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें अच्छा सा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले, आपके कमेंट से आपको ना होता है कि मुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है, भैंस की तो उनको कमेंट ही नहीं करते, कमेंट तो किया करो यार। ये है जी साथ मेरे टेस्को एक्स्ट्रा, ये काफ़ी बड़ा है, इधर नीचे इसकी पार्किंग है सारी। बाकी ये है कि रस्ते में ना आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है अंडों वाली, वो जब यूनिवर्सिटी से वापसी पे जाऊंगा ना घर तब लूँगा, तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेते हैं यहाँ पे आपको अंडे कैसे मिलते हैं, ये कि थोड़ी सी केयर के साथ मुझे लेके जाने पड़ेंगे, बस बाकी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे उसके अंदर कॉइन्स डाल के वो अंडे इसके अंदर से निकलते हैं। हाँ क्या है मौसम आज ठंडा ही है, बस जो गर्मी आनी थी वो चलेगी, बस एक दो दिन पड़ी है ना गर्मी बस वो पड़ गई, अब भाई साहब कहती गर्मी कहती ना अब तो नहीं मैं आती, 4 बजे वर्कर्स काम कर रहे हैं, हे या हाउ आर यू अच्छा तो जिस तरह पाकिस्तान में तो था ना कि गर्मी कहती थी भाई मैं मैनेज नहीं जाना, इसी तरह यहाँ पे है यहाँ पे आयरलैंड में सर्दी कहती है मैंने नहीं जाना, कोई ऐसी बात नहीं मैंने कहा
अब इसका सिग्नल खुलेगा था जो आ गई। अच्छा खुल गया। ये है जी राणा साहब की वैल्यू, सिग्नल खुल गया था और जिसने मुड़ना था वो चला गया, जिसने इधर वाली साइड पे जाना था ना वो नहीं गया, वो भाई साहब वहीं पे खड़ा है। वो कहता राणा साहब बताते खुद गुजरेंगे तो मैं गुजरूंगी। एवं राणा साहब की वो क्या से कहते हैं यार, वर्ड मुझे भूल गए, राणा साहब की, हाँ राणा साहब की इज्जत में गुस्ताखी ना हो जाए, तो इसलिए वो रुक गई। बाकी ये जो सामने जो वाइट कलर की जा रही है जी बस, वो मैथ्यूज की थी, वो गई है मुझे क्रॉस करके। और ये है जी एक बस, ये यहाँ की लोकल ही है, ये वाली लोकल ही है यहाँ पे। इतना आपको फ्री नहीं करना लोगों को नाम ना आगे कि आप कहीं राणा साहब के ब्लॉग में नई से नई जोड़ियाँ देखने को मिलेंगी। लिमिटेड से भी लोग बनाऊंगा मैं, ज़्यादा लोग नहीं बनाऊंगा, मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। हाँ जी, अगर मैं कहीं नई जगह पर गया या कुछ नया हुआ कुछ दिखाने को, तो वो आपका भाई जरूर आपको दिखाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ये खड़ी जी टोटा करोला। यस, ज़्यादातर ना यहाँ पे वोक्स वोक्स वैगन की गाड़ियाँ यहाँ पे, क्योंकि यूरोप के अंदर यूरोप की कंपनी है, वैसे भी जर्मनी की है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ना आई थिंक जर्मन की है, पता नहीं भाई है, यूरोप के ना ज़्यादा ये वोक्स वैगन ही चलती है। बाकी निसान, किया, हुंडई ये भी हैं, फोर्ड भी हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो मेजोरिटी मैंने देखी ना, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मेजोरिटी टोयोटा की है, उसके बाद भी होंडा, सुजुकी, इस तरह यहाँ पे मेजोरिटी जो है वोक्स वैगन की गाड़ियाँ, चाहे वो बड़े पिकअप ट्रक हो, चाहे वो वैन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे हैचबैक हो, ज़्यादा वोक्स वैगन। यहाँ पे लिखा हुआ यार, वेलकम टू इस डंडल्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नीचे आयरिश में लिखा हुआ है, उसकी वजह से समझ नहीं लगती। आ चुके हैं जी बस सामने राजपाइन। आज तो भाई क्राउडेड है काफ़ी ज़्यादा, कल तो नहीं थी इतनी क्राउडेड, परसों तो वैसे नहीं कोई था, आज थोड़ी सी क्राउडेड हुई ये यूनिवर्सिटी। बाकी अभी मैं कॉल करता हूँ लड़के को, तो वो उससे पूछता हूँ वे आई यू ब्रो, क्योंकि आज वॉलंटियर्स काफ़ी ज़्यादा थे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो वॉलंटियर्स जो थे अब वो गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, न्यू अराइवल्स जो न्यू कमिंग स्टूडेंट है ना, उनको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी किस हिसाब से चलती है ये वो सारा कुछ उसके रिलेटेड। बाकी मैं आपको चल के अपने बैचमेट से मिलवाता हूँ। बैठे हैं जी क्लासरूम में, आवाज़ चल रही है, वो तो भाई साहब पहुँचे हैं क्लास में, उनको कॉल कीजिए, लड़का है नसीब, वो कहते मैं तो आ गया क्लास के अंदर, तो मैंने कहा आपका भाई भी आ रहा है क्लास के अंदर, ऊपर है एस वन लिखा था, वो देख लूँगा कौन सा लिखा था नंबर मैंने। बाकी भाई साहब आज तो रश है भाई साहब यूनिवर्सिटी में, गोरियाँ शोरियाँ, चाइनीज़, मलेशियन सारी इकट्ठी। ये है जी लाइब्रेरी, ओ सॉरी यहाँ नहीं आना था यार, मैं गलत आ गया, वो सामने जाना था, जस्ट हम टेंशन लेने हो सकता है शुरू शुरू में, यहाँ से जाना है जी सीधे, वहाँ से फिर आगे मैं आपको लेके चलता हूँ क्लास के अंदर। S249 में हमें जाना है, साउथ हॉल में है जी, फर्स्ट फ्लोर पे S249 रूम नंबर 49। कैन यू टेल मी वेयर इज S149? S149 था भाई साहब, मैं 149 लगा हूँ कब से, था उसको कहीं जा रहा हूँ 149 वो 149 ही ना मिले हमें, ओके जो दोबारा मैंने चेक किया, मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ, तो वो था 249।
आ गए हैं जी फाइनली, मुझे क्लास मिल गई थी, मैं पहले ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं थी। तो ये हैं जी ओयिंग चाओ, ये सारे बंदर बैठे हुए हैं हमारे पाकिस्तान के, आपसे मुलाकात होती है। ये जी हुई है मैं 10 मिनट की ब्रेक, इसको पता नहीं क्यों शर्म आती है मेरे व्लॉग में आते हुए। तो जी ये है हमारे फजल भाई, जिनको जिनकी इंग्लिश इतनी अखीर किस्म की है ना, आपकी सोच है हम सबसे इनके अच्छी। इनके बैंड भी 9 आए थे, 10 में से इनके 9 बैंड आए थे। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, टोटल बैड लॉ। वो तो पर हम मैंने भी पता 9 होंगे, पर तू 10 ही 9 ले यार, हम लोग वाला काम छोड़। खैर अभी फिलहाल ब्रेक हुई है 10-15 मिनट की, उसने प्रिंट वगैरह उसने ना प्रिंट निकलवाने थे थोड़े से, तो वो कह रहा था कि आप थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको प्रिंट वगैरह जो दूंगा तो फिर आप उसके ना हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। फिर मैं कहता ठीक है, तो फिर खैर मैंने कहा आपको यूनिवर्सिटी घुमाते हैं थोड़ी बहुत, आपको डोरियाँ शोरियाँ दिखाते हैं। आज मैं घूमी पूरी तो नहीं, कितनी लॉगिन कर लेते हैं, लाइब्रेरी में चलते हैं। शर्म क्यों आती है? शर्म आती यार, वैसे मेरे घर वाले मारेंगे अगर मैं कैमरे के सामने आऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं, छोड़। अच्छा जी तो फ्री हो गए क्लास से, क्लास तो नहीं थे खैर, ओरिएंटेशन थी, जस्ट आपको चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या है फिलहाल। तो फिलहाल जी घर जाते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। बाकी ये है कि टाइम टेबल पता लगा, भैंस की तुम पूरा वीक क्लासेस हो रही है, एक पूरा वीक क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे। हाँ ये मसला बना हुआ, खैर कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो खैर इधर ही रह रहा हूँ। बाकी ये जो दो दो तीन है ना नजूमे, ये दूर से आते हैं, इसलिए इनको मसला बनेगा, मेरे लिए तो खैर कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि अब चलते हैं, आपको गोलियाँ दिखाते हैं यार, आपके याद करो यूनिवर्सिटी की भी गोलियाँ दिखाते हैं यार। तू बंदा मन की चवला मरी जाना, तू पहली बार आया तू? आहो नहीं तू पहली बार देखी है अपना बंदर। ये जी आपको यूनिवर्सिटी का माहौल दिखाते हैं भाई साहब, आप के ना हे ब्रो चल जा रहे, पर आप ओको टेंशन नहीं है कि कोई चलने शबले मार रहे हैं ना, तो इशू नहीं है कोई। इंटरनेशनल फाउंडेशन कोर्स? अच्छा यू आर अ फाउंडेशन स्टूडेंट? Yeah. Okay. What's your name, bro? I'm from Russia. Alexander. Alexander. Nice to meet you, bro. Sir, dekho teza da aaj. Banda bani yaar. Ki chavla mari hai na. वो रूम दिखा रहे हैं, S212 जो है ना उसका दिखा रहे हैं कि ये वाला रूम है, मंडे वाले दिन जब आना है। हाँ तू की लेना है All of you are foundation students. Okay. I'm also a foundation student. Nice to meet you, bro. Are you on the first row? Yeah, yeah. I am on the first row. Yeah, yeah. Where are you from? China? Malaysia. Malaysia. Okay, nice, nice. You also from Malaysia? Yeah, okay. I'm from China. You are from China. Okay, you are from China. Yeah. आपको एक और लड़के से मिलाता हूँ। ब्रो 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 इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन माय व्लॉग, यू हैव टू इंट्रोड्यूस। ब्रो वेयर आर यू गोइंग, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन माय। You have to say your name and where you're from and what you will be studying. Just tell. Oh, no problem. My name is Kingsley. I'm studying International Foundation Program and I'm from Nigeria. Yeah. Okay. Nice. अरे डर पता है, इसको शर्म आ रही थी, एक तो साथ में तो बंदर है ही है, वो तो बना देते नहीं है, ये को भी बेचारे वो कंफ्यूज कर रहे थे। खैर कोई ऐसी बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, व्लॉग रहना साल का रहेगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी है कि आपकी कोई क्लास कलर जो होगी मैं उससे भी आपको इंट्रोडक्शन कराऊँगा। फिलहाल तो निकल के किधर गए, वो पीछे रह गए, कोई ऐसी बात नहीं।
ताकि व्लॉग लंबा हो जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, आपने बस इंजॉय करना है। आपको फिजान भाई के पास लेके चलता हूँ, फिजान भाई से पूछता हूँ अगर तो ऊपर लाइब्रेरी में बैठे हुए तो उनसे मिलता हूँ जाकर। बाकी ये भाई साहब आ गए जी, गोरियाँ गोरियाँ किधर गए, अभी आए ही नहीं। यूनिवर्सिटी तो खैर हम आ गए थे, यूनिवर्सिटी से अब वापस जा रहा हूँ घर। मैंने कहा आपको बता रहा था ना कि मैंने अंडे लेने हैं, तो फिर आपको बताऊंगा कि मशीन से अंडे कैसे लेते हैं, आपको वही प्रोसेस आपको बताता हूँ अंडे लेने का। फिलहाल आप गोरियाँ इंजॉय करें। ये है जी, यहाँ से लेते हैं जी अंडे, आप पकड़िए भाई। तो आपको तरीका बताता हूँ अंडे लेने का। इसमें डालने हैं जी हमने 5 यूरो, ठीक है मेरे को वाह भैया। पाकिस्तान में तो हम सिक्के यूज करते नहीं थे, पर यहाँ पे तो हम करेंगे। तो पहले हम डालेंगे जी इसमें 2 यूरो, फिर एक और 2 यूरो, और ये जी बॉल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके हो गया कंप्लीट। यहाँ से हम ये ट्रे लेंगे। अबे भैंस की तुम, इसको डालूंगा कैसे हो बैग के अंदर। ये जी इस तरह अंडे निकल के आते हैं बाहर। अब मेन टास्क ये है कि अब इसको डालूंगा बैग में कैसे। हाँ सॉरी, मेरे पास एक बैग है उसके ना डालूंगा मैं, क्या पता नहीं पैक कितने होंगे, जितना टेस्ट करा तो पैक होंगे। ट्रे को भी साथ लेके जाता पर इसको मैं भी अब फिलहाल तो मैंने शॉपर के अंदर डाल ली है, और ये जी फजल भाई को मैंने पकड़ाया था, अब मैंने इसके अंदर डाल ली है, इन्हें भी रख लीजिए मैं कहना। हाँ घर जाके इसके अंदर रख लेंगे, पर टूट ही ना जाए मैं कहना, इस तरह करके रख देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर योर टाइम। अब चलते हैं जी घर, घर जाके आपसे मुलाकात होती है। आज का व्लॉग हम इतना ही बनाएंगे, आपको बहुत गोरियाँ दिखा दी हैं, अब आपने शोखे नहीं होना, अब आपको मैं कुछ दिनों बाद फिर दोबारा व्लॉग बनाऊंगा, आप एमी आदि हो जाएंगे गोलियाँ देखने के, तो इसलिए घर जाके आपसे मुलाकात होती है। क्योंकि मेरी नाश्ता करना है, मैंने 12:30 बजे का टाइम हो गया, सुबह नाश्ता भी नहीं करके आया था मैं, क्योंकि सुबह सुबह 9:30 बजे की क्लास थी, तो इस वजह से मैं फिर अब आपसे मुलाकात होती है घर जाके। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मस्त लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना अपने वालदेन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके जी, बाय बाय।